नमस्ते जी, वैदिक राश में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पंडित वेदनाथ शास्त्री। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें, धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। पंडित वेदनाथ शास्त्री जी का जन्म 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आप अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से संस्कृत वैदिक साहित्य के अपने न समय में अत्यंतम पंडित थे। आपने अपना अध्ययन विभिन्न संस्थानों पर किया। इन स्थानों में वाराणसी, प्रयाग, लाहौर में आपने मुख्य रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त की। देश को स्वाधीन कराने में आपकी उत्कंठ इच्छा थी। इस निमित्त आपने कांग्रेस के माध्यम से भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान दिया। आपकी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आप दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय लाहौर के प्रधानाचार्य के रूप में अपना कार्य आरंभ आपने किया, किंतु इस स्थान पर कुछ ही समय रहे। देश स्वाधीन होने पर आपने वाराणसी आकर यहाँ के गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके पद पर नियुक्त हुए, किंतु थोड़े ही समय के पश्चात आप महाराष्ट्र चले गए और नासिक में रहते हुए आपने स्वतंत्र रूप से आर्य समाज का प्रचार प्रसार कार्य आरंभ किया। यहाँ आप लेखन और वेद प्रचार के कार्य में लग गए। आपने आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर में भी कुछ काल के लिए अध्यापन का कार्य किया और आचार्य स्वरूप अपनी सेवाएं दी। आपका वेद के प्रति अत्यधिक अनुराग था। वेद अनुसंधान में लगे ही आप रहते थे। इस कारण सन 1963 में आपकी नियुक्ति सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपने अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष के रूप में कर दी। इस पद पर रहते हुए आपने अनेक उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य की रचना की और लगभग 10 वर्ष तक इस पद पर आप आसीन रहे। आपने अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना भी की। लेखन व्याख्यान में भी आप पीछे नहीं हटे। आपने साहित्य के कुछ पुष्प आपके इस प्रकार हैं: आर्य सिद्धांत सागर, ठाकुर अमर सिंह के सहयोगी, वैदिक ज्योति पुरस्कृत, शिक्षण तरंगिनी, वैदिक इतिहास विमर्श, दयानंद संस्कृत प्रकाश, कर्म मीमांसा, सामवेद भाष्य, अथर्ववेद अंग्रेजी भाष्य, वैदिक युग और आदिमानव, वैदिक प्राचीन विमर्श, वैदिक विज्ञान, भारतीय संस्कृति, वैदिक दर्शन तत्व विभाग 1, मुक्ति का साधन और ज्ञान कर्म समुच्चय, महर्षि की जन्मतिथि, आर्य समाज की स्थापना तिथि, ब्रह्मपरायण जज हो सकता है, नानाजी, भाई कालिदास मेहता का जीवन चरित्र, वैदिक यज्ञ दर्शन, आपके संस्कृत के कुछ अप्रकाशित ग्रंथ भी हैं: यथाकाल, सांख्य, संप्रदाय अन्वेषण, वैदिक वाग विज्ञानम, सदाचार आदि। आपके अंग्रेजी के प्रकाशित ग्रंथों की संख्या भी लगभग 16 बैठती है। आपने देश ही नहीं विदेश प्रचार में भी खूब रुचि ली और वेद प्रचार के लिए आपने अफ्रीका, मॉरिशस आदि की यात्राएं की। इस प्रकार देश विदेश में वेद संदेश देने वाले इस पंडित जी का 2 मार्च 1988 में देहांत हो गया। हमें ऐसे वैदिक विद्वानों का, वेद प्रचारकों का जीवन परिचय जानना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और वेद को स्वाध्याय करना चाहिए, सतत विकास का स्वाध्याय करना चाहिए। इसी के साथ इस तरह के अन्य प्रेरणादायक कहानियों के लिए, जीवन परिचय के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक विद्वानों के जीवन को जानने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें, धन्यवाद।